जय हिंद। बैठने की व्यवस्था में वृत्ति क्रम व्यवस्था पर कुछ और प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। देखें, निर्देश है, निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गोल चबूतरे पर पांच मित्र ए बी सी डी तथा ई आमने सामने पीठ किए बैठे हैं। आमने सामने पीठ किए बैठे हैं माने सबका रुख केंद्र की ओर नहीं बल्कि बाहर की ओर है, माने लेफ्ट और राइट, बायां दायां बदल जाएगा। बी के बाएं दूसरे स्थान पर जो है वह ए के ठीक दाएं है, बी के बाएं सी है जो ए के ठीक दाएं है। सबसे पहले एक वृत्त बना ले, पांच निशान दे देंगे। इसमें स्पष्ट सूचना पहले क्या है, बी के बाएं दूसरे स्थान पर जो है वह ए के ठीक दाएं है। इससे भी स्पष्ट सूचना यह है कि डी के बाएं सी है, ये ज्यादा स्पष्ट है। डी के बाएं, बाएं कह रहा है तो इस बार बाहर बैठने पर ऐसे इधर बाएं होता है और इस साइड में दाएं होता है। वैसे इस चीज को आप अपने मन में भी सोच सकते हैं कि वृत्त पर आप बैठे हैं, बाहर की तरफ रुख है तो इधर बायां है इधर दायां है। तो डी के बाएं सी है, ये सी हो गया। जो ये जो जब भी आएगा ये किसके लिए आता है, जो बैठता है, जिससे तुलना है उसकी नहीं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बाएं है कि दाएं है, कहां बिठाया जा रहा है, उसके लिए जो आता है, माने जो किसके लिए, सी के लिए, माने सी ए के ठीक दाएं है। सी ए के ठीक दाएं है, इसका मतलब यहां ए होगा, इसके ठीक दाएं सी हो गया। शेष वो सूचना इसके पहले वाली, बी के बाएं दूसरे स्थान पर जो है वह ए के ठीक दाएं है। तो ए के ठीक दाएं कौन है, ए के ठीक दाएं सी है। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि बी के बाएं दूसरे स्थान पर वही है। तो बी यदि यहां रहे तो इसके बाएं दूसरे स्थान पर वही है जो कि ए के ठीक दाएं है। बी का स्थान भी हो गया। अब शेष बचा ई, ई का स्थान ये है, व्यवस्था यही है बीसीडी की। प्रश्न देखिए, बी के ठीक दाएं कौन है, बी के ठीक दाएं ई है, ऑप्शन सी सही है। दूसरा क्वेश्चन है, ए के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, ए के दाएं दूसरे स्थान पर, ए के दाएं पहला स्थान हुआ, ए के दाएं ये दूसरा स्थान हुआ, ये डी है, ऑप्शन सी सही है। तीसरा क्वेश्चन है, ई किसके मध्य में है, ई ए एवं बी के मध्य में है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निर्देश है, ए बी सी डी ई एफ और जी केंद्र की ओर मुंह किए हुए वृत्त में बैठे हैं, ए और जी के बीच में डी बैठा है, जी के दाईं तरफ यफ दूसरा है और यफ के दाएं ई दूसरा है, जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है। सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे, सात व्यक्ति है, सात चिन्ह लगा लेंगे, तीन चार पांच छह सात, जो स्पष्ट सूचना, सबसे स्पष्ट सूचना है उसको पहले भरेंगे। ए और जी के बीच में डी बैठा है लेकिन ये पता नहीं है कि ए बाएं है कि जी बाएं है, इसलिए और आगे, जी के दाईं तरफ यफ दूसरा है, ये स्पष्ट सूचना है। जी के दाएं तरफ कह रहा है अंदर की ओर रुख है तो दाएं इधर होगा, जी के दाएं तरफ यफ, ये जी के दाएं पहला होता है और ये दूसरा, ये सूचना हो गया। इसके बाद और यफ के दाएं ई दूसरा है, और भी दाएं, यफ के दाएं ई दूसरा है,
ई दूसरा हो गया। अगली सूचना जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है, इसे बाद में भरेंगे। सबसे पहले जो छोड़े थे ए और जी के बीच में डी बैठा है, ए यहां तो होगा नहीं कि ए और जी के बीच ले, क्योंकि स्थान भरा जा चुका है, इसलिए निश्चित रूप से ए यहां होगा। ए और जी के बीच में कौन है? डी बैठा है। अब अंतिम सूचना क्या है? जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है, तो जी के पड़ोस में यहां सी नहीं है तो निश्चित रूप से सी यहां होगा। और शेष कौन बचा? बी बचा है, बी का स्थान फिक्स हो गया, व्यवस्थित क्रम हो गया। क्वेश्चन देखिए इस पर आधारित, ई के एकदम बाएं कौन है? ई के एकदम बाएं, एकदम बाएं का मतलब पहला होता है सी, ये ऑप्शन बी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए के दाईं तरफ दूसरा सी है, सभी ऑप्शन को देखना होगा कौन सही नहीं है। ए के दाईं तरफ दूसरा सी है, यही सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समूहों में से किस में तीसरा सदस्य पहले और दूसरे सदस्य के बीच बैठा है? ये तीसरा पहले और दूसरे के बीच बैठा है, माने डी ई और ए के बीच बैठा है क्या? डी ई और ए के बीच में नहीं है, यह बी डी और जी के बीच में, बी डी और जी के बीच में नहीं है, ये बी जी और एफ के बीच में, बी जी और एफ के बीच में, यही सही है। सी और ए के बीच में कौन बैठा है? सी और ए के बीच में ई बैठा है, ऑप्शन ए सही। जी के एकदम दाएं कौन है? एकदम दाएं माने पहला दाएं, जी के दाहिने पहला बी है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निर्देश है पी क्यू आर एस टी तथा यू एक वृत्ताकार मार्ग पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये पहली वाली स्थिति, केंद्र की ओर मुंह रहेगा तो इधर बायां इधर दायां। पी का क्यू निकटतम पड़ोसी है तथा क्यू आर के दाईं ओर दूसरा है, यस टी के बाईं ओर दूसरा है, यू टी का निकटतम पड़ोसी है। देखें सबसे पहले वृत्त बनाएंगे पी क्यू आर यस टी तथा यू, छ निशान लगा देंगे। स्पष्ट सूचना क्या है? पी का क्यू निकटतम पड़ोसी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि पी बाएं रहेगा कि क्यू बाएं रहेगा, इसलिए तथा क्यू आर के दाईं ओर दूसरा है, यह स्पष्ट सूचना है कि क्यू आर के दाईं ओर दूसरा है, क्यू आर के दाईं ओर दूसरा है, यह स्पष्ट सूचना है। इसके बाद है पी क्यू का निकटतम पड़ोसी है, क्यू का निकटतम पड़ोसी अभी भी स्पष्ट नहीं है कि पी यहां रहेगा कि यहां रहेगा। अगली सूचना है यस टी के बाईं ओर दूसरा है, लेकिन तुरंत शर्त है कि यू टी का निकटतम पड़ोसी है। यदि टी को यहां ले लें, यदि यहां हम टी ले लें तो यस टी के बाईं ओर दूसरा यदि हो भी जाता है तो यू टी का निकटतम पड़ोसी है, टी के अगल बगल कोई स्थान नहीं है जहां कि आप यू को रख सके, इसलिए निश्चित रूप से टी का स्थान नहीं है। यहां यदि टी ले ले तो देखिए हो जाएगा यस टी के बाईं ओर दूसरा है, यस टी के बाईं ओर दूसरा है हो गया, और यू टी का निकटतम पड़ोसी है, टी के बगल में स्थान भी है, निकटतम पड़ोसी यू हो गया, इसलिए निश्चित रूप से जो शेष स्थान बचा ये पी का है, क्रम व्यवस्थित हो गया। इसी क्रम पर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यस यू और आर के बीच में है, यू और आर के बीच में नहीं है ये।
क्यू पी और टी के बीच में है, क्यू पी और टी के बीच में भी नहीं है, पी क्यू और आर के बीच में है, पी क्यू और आर के बीच में है, ये कथन सही है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस युग्म में सिर्फ एक सदस्य इन दोनों सदस्यों के बीच है, इन दोनों के बीच सिर्फ एक सदस्य है, क्यू और यू के बीच, क्यू और यू के बीच सिर्फ एक सदस्य है, यही ऑप्शन ए सही है। एक और देख लीजिए, नहीं हो पाएगा केवल एक, पी और आर के बीच कोई नहीं है, इसी तरह ऑप्शन ए ही सही है। यू की स्थिति क्या है, यू कहाँ है, किसके साथ तुलना है, तो कह रहा है आर के दाईं ओर दूसरा, यू आर के दाएं ओर, जबकि बाएं है, ये सही नहीं है। टी और पी के बीच, टी और पी के बीच भी नहीं है। यस के बाईं ओर अगला, यस के बाएं ओर, जबकि ये दाहिने हैं, ये भी सही नहीं है। क्यू के दाईं ओर दूसरी, क्यू के दाईं ओर दूसरा, यही सही है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन गलत है, पी आर के बाईं ओर अगला है, पी आर के बाईं ओर, जबकि ये दाहिने हैं, कह रहा है बाईं ओर अगला है, तो ये पहला ही असत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म में दूसरा सदस्य पहले सदस्य के दाईं ओर अगला है, दूसरा सदस्य पहले सदस्य के माने यस इस यू के दाईं ओर अगला है कि नहीं, इसे चेक करें, यस यू के दाईं ओर अगला नहीं है, दाईं ओर अगला का मतलब पहला ही, दाएं पहला, यस पी के दाएं, यस पी के दाएं पहला नहीं है, यू क्यू के दाएं, यू क्यू के दाएं पहला नहीं है, पी टी के दाएं पहला नहीं है, इसलिए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, निर्देश है बी डी एफ एच के डब्लू एम और टी माने आठ केंद्र की ओर मुंह किए एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं, एफ डी के बाएं तीसरा है जो एच के बाएं दूसरा है, बी एच के दाएं चौथा है, के एम के दाएं तीसरा है जो एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, टी बी या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए सबसे पहले वृत्त बना लेंगे, आठ निशान, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ निशान दे देंगे, इसमें सबसे स्पष्ट सूचना यफ डी के बाएं तीसरा है, स्पष्ट है कि ये यफ डी के बाएं तीसरा, बाएं पहला दूसरा तीसरा ए यफ है, इसके बाद जो यच के बाएं दूसरा, ये जो बहुत कंफ्यूज करता है, ये जो ध्यान दीजिए हमेशा इसके बारे में रहता है, जिसको बताया जाता है कि इसके बाएं है कि इसके दाएं है, जैसे इसमें लिखा है कि यफ डी के बाएं, तो यफ की स्थिति है लेकिन तुलना किससे है, तुलना डी से है, तो जिससे तुलना होगी उसी के बारे में जो कहा जाता है, माने ये जो किसके लिए है, डी के लिए, तो ये डी कैसा है, डी की स्थिति क्या है, यच के बाएं दूसरा, यच के बाएं दूसरा है डी, स्पष्ट हो गया यहां तक, बी यच के दाएं चौथा है, यच के दाएं एक दो तीन चार दाहिने ओर चौथा बी है, ये भी स्पष्ट सूचना है, के एम के दाएं तीसरा है, कई स्थान खाली, अभी चार स्थान,
आगे भी देख लीजिए, जो यफ का निकटतम पड़ोसी नहीं, कौन यफ का निकटतम पड़ोसी नहीं, के की यम, फिर वही जो आ गया, जो के यम के दाएं, जिसके दाएं बाएं कह रहा है, जिससे तुलना कर रहा है उसी के लिए जो लिखा जाएगा, माने यफ के यम के दाएं तो तीसरा है, लेकिन यही यम यफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, माने इस यम को आप यहां नहीं लिख सकते। अब यहां शर्त हो गया कि यफ यहां, यफ के बगल में तो यम नहीं रहेगा, तो कैसे बिठाएंगे, देखिए ध्यान से, के यम के दाएं तीसरा है, यम यदि यहां ले लेते हैं तो एक दो तीन, के यम के दाहिने एक दो तीन, के यम के दाएं तीसरा। आप सोचेंगे कि यहां क्यों नहीं ले लिए, तो देख लीजिए, यदि यम यहां ले लेते हैं तो एक दो तीन स्थान इंगेज है, यदि यम यहां ले लेते हैं तो एक, यदि यम यहां ले लेते हैं तो पहले से मना किया है कि यहां यम नहीं रह सकता क्योंकि निकटतम पड़ोसी नहीं है, यदि यम यहां ले लेते हैं तो एक दो तीन स्थान इंगेज है, तो स्पष्ट हो गया कि यम यहां ले नहीं सकते, यहां ले नहीं सकते, इसलिए यम कहां लेंगे, यहां हो गया कि के यम के दाहिने तीसरा है। आगे है टी बी या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी के बगल में या डी के बगल में यहां टी नहीं रह सकता, तो देखिए एक दो तीन चार पांच छ और एक स्थान ये भी कि यहां भी टी नहीं रह सकता, सात स्थान इंगेज हो गए, तो निश्चित रूप से टी का स्थान ये है, और जो शेष आठवां स्थान बचा, सूचना नहीं दिया है लेकिन स्पष्ट हो गया कि किसके बारे में कहा जा रहा है, ये डब्लू के बारे में, ये W का स्थान है, इसके बारे में सूचना नहीं है लेकिन यह स्थान किसका है, W का है, क्रम व्यवस्थित हो गया इस व्यवस्थित प्रश्न पर। क्रम पर देखिए, पहला प्रश्न है T के तुरंत दाएं कौन है, T के तुरंत दाएं K है, ऑप्शन ए सही, B के बाएं दूसरा कौन है, B के बाएं और दूसरा, बाएं और पहला है, बाएं और दूसरा के है, ऑप्शन बी सही, डी और बी के बीच कौन बैठा है, डी और बी के बीच डब्लू बैठा है, ये डब्लू, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है यच के बाएं तीसरा कौन है, यच के बाएं और तीसरा, तो बाएं और पहला दूसरा तीसरा W है, W के संदर्भ में T का स्थान कौन सा है, W के संदर्भ में T का स्थान, तो W के दाहिने एक दो तीन चार, या बाएं से भी लेंगे तो एक दो तीन चार, माने बाएं से चौथा या दाएं से चौथा, तो दाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा, बाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा, सब गलत है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन जो वृत्त पर नहीं है, देखें, निर्देश है सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक ए बी सी डी और ई, माने पांच, सोमवार से शुक्रवार तक भी हुआ पांच, प्रत्येक दिन एक नाटक अभिनीत होता है, डी आई न तो प्रथम न ही अंतिम दिन अभिनीत होना चाहिए, ई के तुरंत बाद सी होना चाहिए, बी का मंचन डी के तुरंत बाद होना चाहिए, ए और बी के बीच एक नाटक होना चाहिए। देखिए इसको सबसे पहले लिख लेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार,
बृहस्पतिवार और अंत में शुक्रवार, पांच दिन में पांच नाटक अभिनीत होने हैं, इसमें क्या शर्त है? डी आई न तो प्रथम न ही अंतिम दिन, माने डी और ई न सोमवार को और न ही शुक्रवार को, प्रथम और अंतिम दिन डी और ई नहीं रहेगा। तो स्पष्ट हो गया कि इन्हीं तीनों दिनों में ये नाटक डी और ई होंगे। अब देखिए ई के तुरंत बाद सी होना चाहिए, अभी हम व्यवस्थित नहीं कर रहे हैं, केवल दिखा रहे हैं कि यदि हम इन तीनों में ही ई होगा, यदि ई यहां लिख भी लेते हैं आ ई के तुरंत बाद सी दिया है, बी का मंचन डी के तुरंत बाद, डी के तुरंत बाद बी होना चाहिए, तो ए और बी के बीच एक नाटक होना चाहिए। बचा जो स्थान वो ए का बचेगा, लेकिन ए और बी के बीच एक नाटक, जबकि तीन नाटक हो गए। स्पष्ट हो गया कि ई यहां नहीं रहेगा, तो ई इन दोनों स्थानों पर भी नहीं रहेगा, ई यहां भी नहीं रहेगा, और ई तो यहां बीच में भी तो नहीं रह सकता ई, क्योंकि यदि बीच में आप लिख लिए और ई के तुरंत बाद जब सी कहेगा, ध्यान दीजिए फिर से, ई पहले स्थान पर नहीं रहेगा, पांचवें स्थान पर भी नहीं रहेगा, और यदि बीच में लिख लेते हैं एक अनुमान से, तो ई के तुरंत बाद सी रहेगा, और फिर शर्त है कि डी के तुरंत बाद बी, जबकि एक स्थान यहां बचा, एक स्थान यहां बचा, डी के तुरंत बाद बी हो जाएगा और यहाँ ए हो जाएगा। देख भी लीजिए बीच में अगर ई है तो ई के तुरंत बाद सी और डी के तुरंत बाद बी कह रहा है, तो एक स्थान है, इसलिए यहाँ आप लिख लेंगे कि डी के तुरंत बाद बी है। अब जो बचेगा स्थान वो ए का बचेगा, फिर वही प्रॉब्लम की और बी के बीच एक नाटक नहीं है। माने स्पष्ट रूप से आप समझ गए होंगे कि ई प्रथम और पंचम, पहले और पांचवें स्थान पर तो नहीं रहेगा, लेकिन यह ई बीच में भी नहीं रह सकता। अब कहां रहेगा? तो इसके लिए निश्चित रूप से यह स्थान तो था नहीं, आपको दिखाई चुके हैं, निश्चित रूप से ई का स्थान ये फिक्स हो गया कि ई चौथे स्थान पर ही रहेगा, और ई चौथे स्थान पर है तो ई के तुरंत बाद सी है, ई के तुरंत बाद सी। अगली सूचना, बी का मंचन डी के तुरंत बाद, डी के तुरंत बाद बी हो गया, और फिर जो शेष स्थान बचा वो किसका बचा? ए का बचा। कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से देख लीजिए, ई पहले स्थान पर नहीं रह सकता, ई पांचवें स्थान पर नहीं रह सकता, बीच में रखने पर प्रॉब्लम है कि यदि ई को बीच में ले लेते हैं, ई को बीच में, तो ई के तुरंत बाद सी रहेगा। अब डी के तुरंत बाद बी यहां नहीं कर सकते, तो डी के तुरंत बाद बी को यहां करना पड़ेगा और यहां ए आ जाएगा, जिससे कि प्रतिबंध ई और बी के बीच एक नाटक होना चाहिए गलत हो गया। माने ई पांचवें, पहले और तीसरे पर भी नहीं हो सकता। यदि आप एक और देख लीजिए कि यदि इस ई को यहाँ ले लेते हैं, तो पहले ही हम दिखा दिए थे आपको कि यहाँ ले लेंगे तो ई के तुरंत बाद सी हो जाएगा और डी के तुरंत बाद बी हो जाएगा, तो ए का स्थान पहला बचा, तो ए और बी के बीच तीन स्थान हो गए। तो कन्फर्म हो गया कि पहला और पांचवा प्रश्न में ही मना किया है, और तीसरे दूसरे स्थान पर ई को रख नहीं सकते, इसलिए निश्चित रूप से ई का स्थान चौथा है, तो ई का बाद सी और डी का बाद बी, शेष पहला स्थान ए का हो गया। प्रश्न देखिए, अब सभी नाटकों के अभिनय का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम है ए डी बी ई सी, ए डी बी ई सी।
ऑप्शन बी सही है। कौन सा नाटक बुधवार को अभिनीत किया जाता है? तो बुधवार को बी होता है, ऑप्शन बी सही है। कौन सा नाटक प्रथम अभिनीत किया जाता है, सबसे पहले ए अभिनीत किया जाता है, ऑप्शन ए सही है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, रीजनिंग के नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।